गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 9th ऑफ मैथमेटिक्स। सो वी हैव स्टडीड न्यूमरल्स ऑन अबाकस इन द प्रीवियस वीडियो। नाउ टुडे वी विल स्टडी नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। नंबर्स को एक्सपेंड करके आप एक्सपेंडेड फॉर्म में उन्हें कैसे लिखते हैं हम ये पढ़ेंगे। 5 tens and 3 ones make 53। ये आपको पहले पढ़ाया गया है कि 5 tens और 3 ones मिलके 53 बनाते हैं। इन एक्सपेंडेड फॉर्म वी राइट। अब 53 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 5 tens plus 3 ones। आपको लास्ट वीडियो में बताया था जैसे ये 53 है तो इसको हम बोलेंगे टेंस प्लेस और इसको हम बोलेंगे वंस प्लेस। टी इसको बोलेंगे और इसको ओ। तो यहाँ पर टी मतलब टेंस, तो 5 tens and o मतलब 1s, 3 o 3 ones, इसको हम 53 को लिख सकते हैं ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में। नाउ 5 tens 50 and is equals to 50 and 3 tens is equals to 3। 5 tens कितने होते हैं? 5 बार 10 आप प्लस कर लीजिए तो आता है 50, और 3 ones मतलब कितना? 3। सो 53 में ऑल्सो भी रिटन एज, 53 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50 plus 3। और एग्जाम्पल्स देखते हैं 68 मतलब 6। तो क्या है? टेंस है और 8 ones है, तो 6 tens plus 8 ones make 68। और इसको कैसे लिख सकते हैं? 60 6 tens 60 हो गए, 8 ones 8 हो गए, 60 plus 8 is 68। इसी तरह 82, 8 tens plus 2 ones makes 82। 80 plus 2 भी क्या होता है? 82 होता है। सो नाउ बेस्ड ऑन दिस वी विल डू वन एक्सरसाइज। राइट ईच नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको क्या करना है? हर नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। जैसे 56 है, 56 में ये वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं? टेंस, और इसको बोलते हैं वंस। तो 5 tens and 6 ones और 50 plus 6, अभी आपने ये पढ़ा। तो अब मैं आपको करके बताऊंगी 64 वाला। 64 में क्या होगा? 6 tens plus 4 ones, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 60 plus 4 is 64। इसी तरह 91 में 9 क्या है? टी है, और 1 क्या है? ओ है। तो 9 tens plus 1 1 is 91, और इसे हम बोल सकते हैं 90 plus 1 is 91। 83 को कैसे लिखेंगे? 8 tens plus 3 ones makes 83, और 80 plus 3 is 83। नाउ यू विल डू द रिमेनिंग वन। थैंक यू।